हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकर्ष ब्लॉग्स। आज के मेरे इस ब्लॉग में मैं आपके साथ एक रेसिपी लेकर आई हूँ एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों की फेवरेट रेसिपी में से एक है और उसे बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे बनाना है आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे ज़्यादातर रेसिपीज़ जो होते हैं आपको पता है कि बिगिनर फ्रेंडली रेसिपीज़ होती हैं और आज भी मैंने कुछ ऐसे ही बिगिनर फ्रेंडली रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए देखते हैं चिकन चिली की एक बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी, जो एक बहुत ही सिंपल सी एंड बिगिनर फ्रेंडली रेसिपी है और इसे कोई भी अगर आप बिगिनर हैं तो आप इजीली इसे घर पे बना सकते हो। तो अभी ऐसा मौसम है ना कि कुछ तीखा तीखा सा खाने का मन हो रहा होता है, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना एंड अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो आप सेम रेसिपी आप पनीर के साथ बना सकते हो। तो चलिए मेरी रेसिपी को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ करीब 400 ग्राम्स मैंने बोनलेस चिकन लिया था एंड उसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है। अभी मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और उसके बाद हम बाकी के इन्ग्रीडियंट्स इसमें ऐड कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड करा है और आप मैदा भी ऐड कर सकते हो लेकिन मैंने इसको कॉर्नफ्लोर में बनाया है सो कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया मैंने एंड उसके बाद ब्लैक पेपर ऐड कर दिया एंड साथ ही साथ एक अंडा ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो मैंने इस रेसिपी में ना कोई फूड कलर यहाँ पे मैंने नहीं ऐड किया है। अगर आप चाहो तो आप इस पॉइंट पे कोई फूड कलर ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे केचप भी ऐड कर सकते हो, लहसुन एंड हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने ये सब नहीं ऐड किया। मैंने इसको सिंपल रखा है एंड अच्छे से मिक्स करके ना इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन क्यूब्स के अंदर नमक वगैरह अच्छे से चला जाए। तो वेजीज़ में देखते हैं क्या लिया है हमने। तो वेजीज़ मैंने प्याज और कैप्सिकम लिया है यहाँ पे, तो इनको मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है और साथ ही साथ मैंने लहसुन अदरक और ग्रीन चिलीज़ को ना मैंने चॉप कर लिया है। सो ये सारी वेजीज़ हैं, इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप गाजर वगैरह आप ऐड कर सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करा है। और बस इतने सारे वेजीज़ के साथ जो है हम लोग शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सो सबसे पहले तेल गरम करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में। अब जो है ना हम लोग जो चिकन हमने रखा था मैरिनेट करके उसे हमें फ्राई कर लेना है। तेल जब अच्छा सा गर्म हो जाए ना तब आप एक एक करके सारे पीसेस डाल दो एंड उसको पहले तो आप मीडियम आंच में आप फ्राई करिए, उसके बाद आप थोड़ा हाई फ्लेम पे आप उसको फ्राई कर लो ताकि अच्छा सा ना सुनहरा सा कलर आ जाए उसमें। आपको ना बहुत पेशेंस रख के फ्राई करना है वरना ऐसा ना हो कि चिकन अंदर से कच्चा रह जाए और बाहर से पक जाए। सो पेशेंस रखते हुए ही आपने इसको फ्राई करना है। यहाँ पर देख लो बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और बाकी के चिकन मैं फ्राई कर रही हूँ दूसरी तरफ। और अब जो है जब सारा चिकन फ्राई हो जाए ना तब लहसुन अदरक एंड हरी मिर्च जो हमने चॉप करके रखा था वो हमने डाल देना है और उसको एक मिनट तक स्टर कर लेंगे हम लोग अच्छे से। इसको अच्छे से स्टर करने का मकसद ये होता है कि लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो फ्लेवर्स है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए एंड जब भी आ जाए ना तब आपने उसमें कैप्सिकम एंड जो अनियंस आपने कट करके रखे हुए हैं आपको वो ऐड कर देना है। तो इस पॉइंट पर मैं वो ऐड कर दूँगी। और प्याज की जो कलियां हैं ना मैंने यहाँ पे नहीं खोली हैं, ये फ्राई होते होते खुद ब खुद वो खुल जाता है। अगर आप चाहो तो पहले से खोल के अलग अलग कर सकते हो पर उससे अच्छा है ना कि फ्राई होते होते ये खुद ब खुद ही खुल जाता है, तो इसको आपको पहले से अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट पे नमक मैंने ऐड कर दिया था और यहाँ आप देख लो अच्छी तरीके से ये फ्राई हो चुका है प्याज और कैप्सिकम। तो यहाँ पे हम लोग चिकन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था ना हम लोग वो ऐड कर देंगे और अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद जो सॉसेज है हम लोग वो ऐड कर देंगे। तो सॉसेज में मैंने यहाँ पे सोया सॉस, टोमेटो केचप एंड ग्रीन चिली सॉस डाला है। आपकी जो मर्ज़ी आप डालो, आपको जो पसंद है वो आप डालिए एंड जनरली ये तीनों सॉसेज पड़ते हैं। आप अगर कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसको अच्छे से स्टर करने के बाद ना इस पॉइंट पे हम लोग कॉर्नफ्लोर एंड पानी का एकदम पतला सा जो है ना घोल बनाएंगे एंड उसको हमने इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप एक दो मिनट तक इसको अच्छे से चला चला के आप पका लो ताकि जो कच्चापन है कॉर्नफ्लोर का वो ख़त्म हो जाए।
बस फिर क्या, फिर हमारी चिकन चिली बिल्कुल रेडी है। एक बार ये अच्छे से पक जाए तो उसके बाद आप सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है ये चिकन चिली। तो इसको फिर आप सर्व करो, धीरे धीरे आप खुद ब खुद देखोगे ना कि कलर उसका चेंज हो गया। जैसे ही कॉर्नफ्लोर पक जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, एंड कॉर्नफ्लोर पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो फिर आप इसको पका लो ईजिली, एंड बस उसके बाद ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो देख ही लिया आपने कि इसको बनाना कितना आसान है। तो अब जब भी आपका चिकन चिली खाने का मूड हो ना, आप इसको फ़ौरन घर पे बना लो। एंड जब आप बाहर से मंगाते हो उससे ज़्यादा आसान है कि आप घर पे इसे बना लो, बहुत ही जल्दी भी बन जाता है एंड बहुत ही आसानी से बनता है। सो अब जोमेटो एंड स्विगी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कुछ चाइनीज़ खाने का मन कर रहा है तो आप उसको इस तरह से ना बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हो। सो अगर ये रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। एंड ये अगर ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ आप ज़रूर से शेयर करिएगा।